अयोध्या राम मंदिर रे प्रभु रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठार पवित्र दिन धीरे धीरे निकटतर हेबाकु जाउची। एहि समारोह रे जोग देबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी मास 22 तारीख रे अयोध्या रे पहुंचिबे। एहा पूर्वरु अर्थात जनवरी 16 तारीख रु अन्यान अनेक रीति नीति मध्य आरंभ होई जिवो। तेबे एही प्राण प्रतिष्ठा कोण एहा किपरि करा जाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिरो एही आध्यात्म भित्तिक कहानी को आपण समस्तंकु स्वागत करूछि मो आनी सतपति। तेबे दर्शक बंधु, प्रभु रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क रे अधिक तथ्य जानिबा पूर्वरु आपण समस्तंकु अनुरोध करूछि, जदि आपण माने ए पर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती ताहाले निश्चय सब्सक्राइब करंतु, नोटिफिकेशन पाई ऑल बटन को हिट करंतु। जने जने प्रकृत रामभक्त भावरे आपण माने कमेंट सेक्शन ने जय श्री राम निश्चय लेखंतु। दर्शक बंधु, प्राण प्रतिष्ठार मौलिक अर्थ हेउची भगवानकर प्रतिमा को जीवन न्यास देबा। एही समारोह रे वेद एवं पुराण रु निया जायथिबा अनेक रीति नीति अंतर्भुक्त अटे। प्रत्येक रीति नीतिर निजस्व गुरुत्व मध्य रहिची। रीति नीति रे प्रकृतिर दृढ़ भूमिका एवं भक्त ओ भगवान परस्पर उपरे निर्भरशील। धार्मिक भितिरे पत्थर मूर्ति केवल जीवनर समर्पण द्वारा एक देवतारे परिणत होइथाय। एहा सहित प्राण प्रतिष्ठा परे ही समस्ते एही मूर्तिरे भगवानकर उपस्थिति थिबा विश्वास रखी प्रार्थना तथा पूजार्चना करिथांती। समर्पण पई प्रतिमा को अनेक पर्याय देइ गति करबाकु पड़िबो। तेबे हां, प्रभु रामलालांक पई प्रथम पर्याय एक परिक्रमा रहिछि जहां मंदिर निकटवर्ती अंचल रे बाहर करा जायथाय। जनवरी 16 तारिख रे अयोध्या रे रामलालांक मूर्तिर परिक्रमा बा शोभा यात्रा करा जिवो। आउ एही समय मध्यरे भक्त माने प्रतिमा को स्वागत करिवे। तबे समय मध्यरे खुशी हेतु किछि भक्ति मूर्ति रे पहुंची जायथाय। अन्य अर्थरे भक्तंकर भक्ति ही मूर्ति को ईश्वर भावरे परिणत करिबा आरंभ करे। तबे प्राण उत्सर्ग रीतिनीति केबे आरंभ हेब? दर्शक बंधु, शोभा यात्रा परे जेतेबेले मूर्ति प्रतिष्ठा स्थान को फेरी जाए सेतेबेले पवित्र रीतिनीति आरंभ होइथाय। गुजरात रो डॉक्टर दीपक भाई ज्योतिषाचार्य कहिछंती जे उभय गृह एवं मंदिर रे स्थापित प्रतिमा गुडीक पई प्राण प्रतिष्ठा करा जाय परिबो। प्रथमे प्रतिमा को एक रीति मत स्नान करा जायथाय। एहा विभिन्न सामग्री सहित अभिषेक होइथाय। एहि रीतिनीति रे 108 प्रकार रो सामग्री अंतर्भुक्त करा जाय पारे। एथि मध्य रे पंचामृत, सुगंधित फूल एवं किछ खास गच्छर पत्र गंगाजल भली सामग्री अंतर्भुक्त अटे। तबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समारोह हेउची चक्षुदान बा देवतांकर आखि खोलिबा। मूर्तिर रीतिनीति स्नान परे एहाकु जाग्रत करिवार समय आसिथाय। एथिरे अनेक मंत्र जप करा जायथाय। एही मूर्तिर विभिन्न अंशकु जीवंत करिथाय। एहा परे समस्त रीतिनीति शेष हेबा परे अंतिम पर्यायरे मूर्तिर आखि खोला जायथाय। एहि समारोह रे कज्जोल परि सामग्री देवतांक आखिरे एक सुन्ना छुंचिरे स्पर्श करा जायथाय। तबे विश्वास करा जाय कि जदि केही आखि खोलिबा मात्रे भगवान को देखंती तबे तांकर उज्ज्वलता बहुत उच्च होई पारे। प्राण प्रतिष्ठा उत्सवर शुभ मुहूर्त। प्रभु रामलालांक मूर्ति स्थापन मुहूर्तर एक स्वतंत्र योजना रहिछि। जनवरी 22 तारीख रात्र 12:19 रु रात्र 12:30 मध्यरे प्रभु रामलालांक मूर्ति स्थापना करा जिवो बोली जणा पडिछि। एहा परे निर्धारित मात्र 84 सेकेंड मध्यरे स्वतंत्र रीति नीति द्वारा प्रभुंकर प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो। तबे दर्शक बंधु, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला प्रभु श्रीरामंक प्राण प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे माता सीतांकर बाप घर अर्थात जनकपुरी रु 21,000 ब्राह्मण पंडित अयोध्या को आसुछंती। आज्ञा हो, नेपाल रु 21,000 पुरोहित भगवान श्रीरामंक सहर अयोध्या को आसुछंती। राम मंदिर समर्पण समारोह पूर्वरु अर्थात जनवरी 14-25 पर्यंत अयोध्यार सरजू नदीकूल 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापन पई एक विशाल राम नाम महाजज्ञ आयोजन करा जिवो, जेउथिरे एही 21,000 पुरोहित अंश ग्रहण करिवे। कुहा जाउची नेपाल केवल 21,000 पुरोहित एही महाजज्ञ करिवे। एथिपई 1008 कुड़िया प्रस्तुत होई सारिछि।
ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ 11ଟି ଲେୟାର ଛାତ ରହିଛି। ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସରଜୁ ନଦୀର ବାଲୁକା ଘାଟରେ 100 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଟେଣ୍ଟ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସିନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ବସବାସ କରିଥିବା ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାଯୋଗୀ ନେପାଳୀ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଆୟୋଜିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମହାଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 1,008 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ସରଜୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏହି ମହାଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ରାମାୟଣର 24,000 ଶ୍ଳୋକ ଜପ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1,008 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ 1,100 ଯୋଡ଼ା ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ନେପାଳୀ ବାବାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନର୍ମଦା ନଦୀରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖୋଦନ ପାଇଁ ପଥର ଅଣାଯାଇଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 14 ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେପାଳୀ ବାବା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରାଯିବ।